अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अभी हम लोग ना रंगपुर से थोड़ा सा आगे आ गए हैं और अभी अम्मी जी भी साथ हैं, पाजी मेहरा भी। बस तकरीबन 1 घंटे में हम लोग यहाँ से पहुँच जाएंगे मुल्तान। ये है जी टेस्ट रिपोर्ट जो हमने अभी करवाई है अभी की। जी दवाई वगैरह ले लिया, अब घर चलते हैं। मुल्तान से हम लोग अभी जो है ना निकल पड़े हैं। अच्छा जी, हम लोग यहाँ रुके हैं कर्क होटल पे। सामने यहाँ चलते हैं, यहाँ है फैमिली वाली जगह, इधर है तो इधर हम लोग चलते हैं। मैंने कहा यहाँ से खाना खा रहे हैं, तकरीबन 11 बज चुके हैं, 11:07, तो उसके बाद जो है ना अभी देखते हैं सारी सूरत हाल क्या बनती है। हाँ जी अम्मी जी, पानी वाकई बहुत ज्यादा आ गया इस दरिया च, ते अल्लाह खैर करे। चनाब अल्लाह खैर करे जी, असी और घंटे तक असी इंशाल्लाह पहुंच जाना वा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, ओदी तो फिर मौज ही मौज। अच्छा हुण झंग नूं जाना? सच्ची गल, इत्थों अगर एनू मुड़ जाइए ते असी उधर नूं चले जाना वा, मतलब के चौक आजम नूं, वो जिधर कार जा रही है जी, इधर नूं जाऊंगे ते तुसी मियां उधर की उहनूं रंगपुर नूं चले जाऊंगे। Thank you.
ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਬੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਰਾਤੀ, ਅਸੀਂ 2:30 ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਬਾਈ ਹੁਣੀ। वो इस लड़ने लग गया कि आप लोगों ने तो रहना था, आप लोग क्यों जा रहे हैं वापस। भविष्य के काम चेक करें, अपनी वीडियोस के लिए ना थंबनेल बना रही हैं। बब यासिया को मोबाइल पकड़ाया है कि थंबनेल बना के दें मुझे। बन गया अभी थंबनेल, ये होती है बिहाइंड द सीन भाई, ये सारा कुछ जैसे जैसे वीडियो बनती है। अभी जो है ना भाई आवास देख रहे हैं, पानी शानी क्या, पानी तो नहीं कम। अभी आसिया शायद की काम शाम करने लगी हैं। भाई अली सबसे पहले जाके गाड़ी में बैठते हैं, आना हो तब भी और जाना हो तब भी। चलें भी चलें, भाई परहेजें बताई जा रही हैं एक दूसरे को, भाई परहेज़ करें और लाड प्यार किया जा रहा है भाई जाते जाते। अभी जा रहे हैं बच्चे। ओके जी अल्लाह हाफिज, बाय बाय टाटा। ये ना रूटीन होती है हमारे, जब मेहमान को आता है ना तो उसे फिर छोड़ने के लिए सब इकट्ठे हो जाते, जब उसे जाना होता है ना मतलब कि उससे मिलने मिलते हैं और जब तक वो घर से निकलता नहीं है उसके पास ही मौजूद रहते हैं। तो ये रूटीन होती है फ्री ऑफ जिसे बोलते हैं ना, वही करके फिर ही वापस आते हैं सारे। मुझे कह रहे थे, मैंने कहा भाई कल सारा दिन मैं गाड़ी धोता रहा हूँ, दिन टाइम भी नहीं सोया, रात टाइम भी आके बहुत देर से सोया, मैंने कहा मुझे नींद आ रही है आप लोग जाएँ, भैया बात छोड़ के आते हैं, मैं घर ही रहूँगा। ओके जी बाय बाय टाटा। वहाँ से ना एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने वो परचेज़ की है, ये वाली तस्बीह। छोटी सी और मुझे बहुत प्यारी लगी, पत्थर वाली मनके हैं इसके ये वाले। ये वाले तो मैंने ये चीज़ ना ले ली है। मैंने मेरी ना अभी है कि मैं जितने भी मेरे जानने वाले हैं ना अपने अजीज़ या जितने भी आसपास उन सबको जो है ना इस तरह के कुरान पाक और ये तस्बीहें वगैरह जो है ना मैं उन्हें गिफ्ट करूं, तो ये मेरी अपना प्रोग्राम बना है आज। अच्छा जी अभी घर आ चुके हैं और आप ही लोग घर वापस चले गए हैं और आप ही के टेस्ट रिपोर्ट आप लोगों को दिखाई है और डॉक्टर ने परहेज़ का बताया है कि कोई फ्राई चीज़ नहीं खानी और इसके अलावा चावल नहीं खाने, बड़ा गोश्त नहीं खाना, इसके अलावा जो है ना ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो ज़्यादा आए हैं। आप ही के एम जी के टेस्ट करवाए थे 236 पे थे, आप ही के 266 पे आए हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से जो है ना उन्होंने गोश्त भी मना कर दिया हुआ है।
बाकी जी दवाई वगैरह दी है 15 दिन की, उसके बाद मैंने दोबारा चेकअप करवाना है, नीचे के दोबारा चेकअप करवाना है। मेरे ख्याल अभी के एक या दो टेस्ट में मसला है, बाकी ठीक है तकरीबन। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, आप लोग दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, अम्मी जी के लिए भी, और हम सब भी आप सबके लिए दुआ करते हैं। अभी मुझे ना नींद आ रही है, मैं सही से सो नहीं पाया रात। तो चलें जी अभी एंड करते हैं, सोते हैं। और इस व्लॉग का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।